कानपुर में डीसीपी पूर्वी के निर्देश पर अपराधियों पर नकेल कसने में लगी हुई है। ड्रिल बाजार पुलिस थाना प्रभारी विजय दर्शन के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान 25,000 की इनामी के साथ मुठभेड़ हो गई। कार से आए उन्नाव निवासी बदमाश शिवपूजन ने पुलिस को देख भयभीत होकर बदमाश कार दौड़ाते हुए पोल से टकरा गए और पुलिस पर रात में के अंधेरे में फायरिंग करने लगे। वहीं पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यशो रेल बाजार और उनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम, सभी लोग लगे हुए थे और ये सूचना थी एक क्रिमिनल को हम लोग ट्रेक कर रहे थे उसके मोमेंट की। और फाइनली जब यशो रेल बाजार और सर्विलांस की टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया, वो क्रेटा गाड़ी था, उसने चढ़ाने का प्रयास किया इनके ऊपर। फिर जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया उसको तो अपना लोको कॉलोनी की तरफ भागा है। खाली गाड़ी एक पोल से टकराई बिजली के तार से पोल से, और वहाँ पे जब इसने फायरिंग किया भागने के चक्कर में तो जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। टीम उसको हॉस्पिटल में लेकर के गई है विशेष उपचार के लिए। डिटेल इस क्रिमिनल का ये है कि इसने 4 तारीख को यहाँ पे कलेक्टरगंज से एक गुलाठी है, मिस्टर गुलाठी, उनके यहाँ ये एज ए ड्राइवर के रूप में आया और उनके यहाँ 2-3 दिन रहा। उसके बाद उनकी गाड़ी लेकर के ये फरार हो गया। जब उन्होंने कंप्लेन की पुलिस को तो हम लोगों ने जब डिटेल इसका पता किया तो पता चला कि ये जो बसन है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। फिर फाइनली इसके बारे में वेयर अबाउट्स के बारे में पता किया गया, पता लगा कि ये जस्ट डाल से ये उनके यहाँ पे आया था। जस्ट डाल वालों को हम लोगों ने बुलाया, उनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने जो डिटेल जानकारी दी उसके बाद हमारी टीम उन्नाव गई और फाइनली उन्नाव पर जब डिटेल पता चला तो पता चला कि ये एक क्रिमिनल है और ये इंटर स्टेट क्राइम करता है। दिल्ली में, मोनेरिका में और जगहों पे इसके क्राइम है। अभी ये बिहार में भी गया था। पूरी टीम और जो सर्विलांस की टीम थे इसके डिटेल नंबरों पे हम लोग लगे हुए थे।